ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में जब भी कोई बड़ी हिंसा होती है तो देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस दिल्ली पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में इसका शिकार होते हैं। 26 जनवरी को भी ऐसी ही तस्वीरें देश ने देखी। किसान आंदोलन में भी दिल्ली पुलिस के करीब 500 जवान घायल हुए हैं। आज दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव आउटर जिले में ऐसे घायल पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे और उनके संयम और समझदारी की तारीफ करते हुए दिल्ली पुलिस के अहिंसा के निर्णय को सही करार दिया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त सहित तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सभी को संबोधित करते हुए पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस एक अनुशासित फोर्स है, वो पक्षपात नहीं करती है। बोलते हुए उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पुलिस को आगे बहुत ही सोच समझ कर रणनीति बनानी होगी। जो आपको ऑफिसर जिस तरीके से कहते हैं करने के लिए आप उस प्रकार से करेंगे। हम डिसिप्लिन फोर्स हैं, जो अहिंसा और बल प्रयोग ना करने का है, ये सही निर्णय है। आगे की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी इंटेलिजेंस है उसके बारे में पूरा ध्यान दें, क्या प्लान्स हैं उसके बारे में पूरा ध्यान दें, रणनीति और सोच के अनुसार से ही हम काम करें। इस मौके पर आउटर जिले के बड़े अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उनमें DCP सुधांशु धामा भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने एक जवान को उग्र किसानों के चुंगल से छुड़ाया। पुलिस कमिश्नर के आने से पहले संयुक्त आयुक्त संजय सिंह सहित DCP ने भी पुलिस कर्मियों के संयम और साहस की तारीफ की। हालांकि वहां बड़ी संख्या में बैठे घायल पुलिस कर्मियों ने कुछ भी बोलने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें अब तो सबक लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि कहां कमी रह गई और उसके बाद ये तय करें कि फिर ऐसी घटना ना हो। क्या कम्युनिकेशन गैप रहा, क्या उस टाइम फोर्स रेडीली अवेलेबल नहीं हो पाई, या वो कमांड में कमी रही, या हमारी इंटेलिजेंस में कमी रही, जो भी था वो हमें अब असेसमेंट कर लेना चाहिए। हमें उसी हिसाब से आगे, ये हमारा फर्स्ट है, ये एक तरह का फर्स्ट बैरिकेड है जो क्रॉस करना है। आगे बहुत बैरिकेड्स हैं, आएंगे, दिख रहे हैं हमें, और हमें सबको उसकी तैयारी करनी चाहिए। किसी भी तरह से कोई भूल चूक ना हो, जो हमारे साथ अब इंसिडेंट हुए वो इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। पत्रकार ये जानना चाहते थे कि दिल्ली की सीमाओं पर कटीले तार, बैरिकेड्स, किले आदि पर सवाल हो, साथ ही दिल्ली की तेज तर्रार पुलिस क्यों आए दिन ऐसी हिंसा की शिकार होती रहती है। लेकिन ये तमाम सवाल केवल सवाल ही रह गए। CP साहब घायल पुलिस कर्मियों से मिले, उनकी तारीफ की और अपनी दिल्ली पुलिस के कामकाज को बहुत बेहतर बताकर चल दिए। हालांकि उन्होंने ये जरूर संकेत दिए कि दिल्ली पुलिस को ऐसे हालातों से निपटने के लिए सोच विचार कर नई रणनीति बनानी होगी। इस पर घायल पुलिस कर्मियों के साथ साथ तमाम पुलिस फोर्स की नजर रहेगी। दिल्ली दर्पण TV के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ शिवानी मोरवाल और राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।